जो कहा जाता है कि मुलायम परिवार का गढ़ है। तो सरिता भदौरिया जी, कभी लगता है कि 32 दांत के बीच में जीभ फंस गई है क्या? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं 32 दांत के बीच में हूँ, क्योंकि बड़ी जीदारी से, जीवटता से पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो इटावा की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया और मुझे विधायक बनाया। मैं पिछले 5 वर्ष से लगातार, पिछली बार जब मैं 17 में जीती थी उसी समय से मैं चुनाव लड़ रही थी और लोगों के बीच में थी, क्योंकि मुझे कल्पना थी कि इटावा की सीट में जाति समीकरण भी ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार, जिस तरीके से हमारे चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह जी और पूरा खानदान रोड शो करने के लिए निकला और पूरे खानदान ने इटावा के लोगों से वोट मांगे, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरी समाजवादी पार्टी हमारे विपक्ष में लोगों से वोट का आग्रह कर रही है और फिर लोगों ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया, तो वास्तव में योगी जी और मोदी जी का जादू। जानती है क्या होगा इस बार? एक चीज बदली होगी विधानसभा की तस्वीर, जब आप लोग इधर सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे तो सामने में आपको अखिलेश यादव भी मिलेंगे। अच्छा रहेगा, मेरा उनसे आमना सामना होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत उनके गढ़ में चढ़ के राजनीति की है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ, संगठन के विभिन्न पदों पर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से काम करती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ। और राजेश पीछे से कह रहे थे कि सामने अखिलेश यादव रहेंगे तो आनंद आएगा, ये कौन सा आनंद है? देखिए, एक एक अलग प्रकार का आनंद होगा। एक तरफ साधु त्यागी तपस्वी सन्यासी के नेतृत्व में हम लोग बैठे होंगे, दूसरी तरफ माफिया गुंडे मवाली उनका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे होंगे। सत्य और असत्य पार्लियामेंट के विधानसभा के अंदर भी लड़ रहा होगा, तो उसमें और आनंद आएगा। कहीं आपकी नजर लोकसभा चुनाव पे भी तो नहीं है अगले 2024 की? आपके मुंह से निकला पार्लियामेंट, पार्टी के वर्कर हैं हम तो, अब पार्टी जहां भेजेगी वहां काम करेंगे, इसमें कौन सी बात है? राजनीति में आए तो महत्वाकांक्षा भी होती है जी। आपके चैनल से ये शिकायत रही, इसलिए मैं आपके सामने पूछ रही हूँ। बिल्कुल सबके सामने कही। आप लोगों ने मुझे लगातार पहले दिन से हरा हुआ कैसे दिखाया था, ये आप जवाब दो मुझे। किसने कहा, हमने कहा दिखाया? आपका चैनल बार बार कह रहा था कि इटावा लूज कर रहे, इसका क्या कारण था? मैं पूछना चाहती हूँ, आप जरा। आपने गलत देखा होगा, एबीपी न्यूज पर नहीं चला कि सरिता भदौरिया हार रही। धड़कने बढ़ जाती थी एबीपी, क्या जिस दिन नतीजों की बात हो रही, काउंटिंग जिस दिन हो रहा था उस दिन? नहीं, लगातार आपका सर्वे, आपका चैनल लगातार मुझे हारा हुआ दिखा रहा था और मैं बहुत अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब आपका चैनल मुझे हारा हुआ दिखता था तो अंदर से थोड़ी सी घबराहट होती थी। तो आप साबित कर दिया, तो आप एक महिला के साथ अन्याय कर रहे थे ना। रजनी जी है वो इस बात से नहीं, रजनी जी बताइए, कह रही हैं इस बार के चुनाव में बड़ा ये रहा इस बात की चर्चा कि महिला वोटर, तो आपको लगता है कि इस बार जब सरकार बन रही है योगी पार्ट टू, तो महिलाओं को भी सत्ता में उसी तरीके से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद दूंगी कि आपके चैनल ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और आपने जो ये सवाल किया, महिला और पुरुष सभी का सहयोग मिला, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके आए हैं। मैं 2008 में, 2012 में, 2017 में और उसके बाद 2022 में मैं पुनः जीत करके आई हूँ। मैं जब से विधायक बनी उसके बाद से ही मेरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है लोगों की सेवा करना। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जो उनकी योजनाएं हैं वो हर वर्ग के लिए हैं और मेरी प्राथमिकता। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहा जाता रहा कि मुस्लिम महिलाओं का भी वोट मिलता है, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे थे, ऐसा सच है क्या? हाँ, सभी महिलाओं का वोट हमको मिला है, इसमें कोई शक नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।